आंगनबाड़ी केंद्रों में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, इस पूरे बुंदेलखंड में 50% ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र बने पड़े हैं जिनकी हालत इस आंगनबाड़ी केंद्र जैसी है। ये महोत्तरा ग्राम पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र है, बांदा डिस्ट्रिक्ट का महोत्तरा ग्राम पंचायत है ये। यहाँ आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, प्रतिदिन बच्चों का पोषाहार बनना चाहिए, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिदिन खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ इन सब के उरज में हो का रहा है। यहाँ बगल में जानवर बंधे हुए हैं, यहाँ कंडे पथे हुए हैं, यहाँ खपरैल पड़े हुए हैं, और ये गड्ढा देख लीजिए, गड्ढों में ये जूते पड़े हुए हैं। जितना गांव का कबाड़ है वो सब आंगनबाड़ी केंद्र में डाल दिया गया है, और ये आंगनबाड़ी केंद्र कभी नहीं खुलता है। यहाँ महीने में एक बार आशा बहू, चूँकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती हैं, इसलिए आशा बहू आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ लेकर के आती है एक महीने में, और जो किशोरियों को लगने वाले टीके हैं वो टीके लगा दिए जाते हैं, और उनको किशोरियों का जो स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाला पोषाहार है वो दे दिया जाता है, इसके बाद में चले जाते हैं। ये आंगनबाड़ी सेंटर जो है आपके बराबर में है जी, वो कब से बंद है? ये जब से बना हुआ है तब से बंद है। यहाँ आबादी तो 2500 होगी। आंगनबाड़ी कितने हैं? आंगनबाड़ी इधर है 3। क्या हालात हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में यही है, जो बच्चों को राशन पानी जो बीच बीच कहीं दे देते हैं, बीच में बाकी खा जाते हैं पूरी। हाँ, बोलते हैं आया ही नहीं, अभी 2 महीने से 3 महीने से कुछ दिया ही नहीं। कोई चीज़ मिलती है तो कहते इसे नहीं है, इसके लिए नहीं, अब बंद हो गया है, इतने साल की हो गई है, अब नहीं मिले उलेगा इसको, ऐसे कहती रहती है। आंगनबाड़ी केंद्र की जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ किसी भी बच्चे को नहीं मिल पा रही हैं, और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सारी सुविधाएँ सब कहाँ जा रही हैं ये किसी को पता नहीं है। ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और वो जो है धरातल में बिल्कुल शून्य पड़े हुए हैं। ये आंगनबाड़ी जो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से आपको कुछ सहायता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है? नहीं मिलता, और जब दूर दरिया मिलता है तो महीना महीना के गोल कर जाती है, एक महीना का देती है, एक महीना में एक, हाँ 3 महीना हो गया अभी नहीं मिला है। ये आंगनबाड़ी केंद्र जब से बना है बंद ही रहता है, और यहाँ बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके दूसरे जो केंद्र हैं आंगनबाड़ी वो भी कभी कभार खुलते हैं, और जो बच्चों का पोषाहार आता है वो कहीं तो 3 महीने में एक बार मिलता है, परमानेंट हर महीने में नहीं दिया जाता। 6 साल तक के बच्चों को मिलता है, लेकिन वो 3-5 साल में बंद कर देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो ये पीछे जो आपके दिख रहा है आंगनबाड़ी जी, इससे कुछ सहायता मिलती है आप लोगों? कुछ नहीं मिलता है सहायता हमको, कुछ नहीं मिलता। जब बोलते हैं कि कुछ आया है तो बोलते हैं कुछ नहीं आया है राशन। जब देते हैं तो दलिया देते हैं, दूध देते हैं, और कहीं कहीं तेल भी दे देते हैं, बस इतना ही देते हैं और आगे नहीं दे रहे हैं कुछ। पर्याप्त मात्रा में होता है खाने के लिए जब देते हैं? अब आधा आधा किलो, 1-1 किलो दे रहे हैं, अब उसमें कितना प्राप्त होगा? आंगनबाड़ी केंद्र का मकसद ये है कि गांव में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, और उनको जो है पोषाहार प्रतिदिन दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में ही। इस गांव में ही लगभग दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, पूरे बुंदेलखंड में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, और जहां से कुपोषण दूर होना है उन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ये है। ये कह रहा हूँ मैं कि जाकर अगर 12:30-1 बज गया, इसके बाद अगर वहां पहुंचते हैं आप, कह देते हैं सिस्टम बंद हो गया, अब ख़त्म हो गया, नहीं अब अगली बार लेना, नहीं ख़त्म हो गया, अगली बार जहाँ दे ही नहीं रहे। महीने में यहाँ तो सब बंद रहता है, वहाँ आप कभी कभार खोलते हो? इस गांव में कितने हैं? आंगनबाड़ी इस गांव में 3 हैं। कितने बंद रहते हैं? ये हमेशा जब से बना है जब से बंद ही रहता है। दूसरा तीसरा कभी कभार खोलते जब उनकी इच्छा होती है, नहीं बंद रहते हैं। मुझे लगता है कि जब से बना होगा जब से ये चालू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है और इसी तरह बंद पड़ा रहता है जी। गांव तो बड़ा लग रहा है, कितने गांव की आबादी है? गांव बहुत बड़ा है, यहां 3 आंगनबाड़ियां होती है। कौन सा गांव है? पिपरहरी।
ये बच्चा आपका जो है कुपोषित है, कितने साल का हो गया? 1.5 साल का। एक तो पोषाहार नहीं मिलता है, बच्चों का इनरोलमेंट है, बच्चों को मिलने वाला पोषाहार कोई दूसरा खा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार आता है वो कम पैसे में, यहाँ जो जानवर बंधे होते हैं, जानवर होते हैं, भैंस है, गाय हैं, उनको सब बेच दिया जाता है, तो वो मिलता ही नहीं। उसका परिणाम ये है कि बच्चे बड़े पैमाने पर कुपोषित हो रहे हैं, असमय बच्चों की मृत्यु हो रही है और हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको देते ही नहीं, बोलते आता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, 3 साल से बड़े बच्चों को नहीं देते। 3 साल से बड़े बच्चों को नहीं देते, बोलते हैं आता ही नहीं है ऊपर से, तो हम यहाँ क्या दे दें तुमको। ये आंगनबाड़ी महीने में एक ही बार खुलता है, जब पोषाहार दिया जाता है तभी खुलता है, इसके बाद नहीं खुलता। फिर जब ही इसी तरह ज़रूरत पड़ गई तो आके इसी तरह खोल देते हैं, बस बाकी बंद रहता है। एक महीने में कब एक बार खुलता है? कहीं 2 महीने में, अभी मिला ही नहीं, 3 महीना होते आता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं, ये अभी बना होगा तो 3 साल, 3-4, तो 3-4 साल। ये खुलता नहीं कभी? ये अभी नहीं खुला है, जब से बना है। बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, दूर जाते हैं विद्यालय से, मान लो 5 साल के बच्चे तक का तो इसमें आदेश ही है, वो भी नहीं होता, सब बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने। क्यों नहीं आते, बताते नहीं वजह क्यों नहीं आते? अब ये तो नहीं सर बता रहे कि वो नहीं आते हैं, कौन हम लोगों से बताते हैं, उनकी मर्जी, जब उनका मन होता जब खोल दें। बच्चे हैं गांव इसमें वाले बच्चे? जी हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 लड़के 1 लड़का। कितने कुपोषित हैं उसमें? 3। पहले दे देते थे वो दरिया उरिया दूल, वो भी बंद कर दिया। कब से बंद किया? ये 3 महीने हो गए, 3 महीने से कुछ नहीं दिया, बोल रहे आता ही नहीं है। प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र सप्ताह में 6 दिन खुलना चाहिए और वो मेनू के आधार पर प्रतिदिन बच्चों को पोषाहार मिलना चाहिए, और 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में उनका एडमिशन होता है, और उनका मकसद यही है कि वो वहाँ जाएँ पढ़ें, स्कूल से प्रारंभ की जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रहण करें, और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का ठहराव हो, वहाँ उनको पोषाहार दिया जाए ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं वो कुपोषण से मुक्त हो सकें। तो ये पूरा इसका प्लान है। बच्चों को तो मिलता नहीं है, धात्री गर्भात्रियों को मिलता है, बच्चों जो भी आ गए तो मान लो बच्चे के लिए नहीं मिल रहा, जब विद्यालय नहीं चलता नहीं है तो मिलेगा कैसे बच्चों को, जैसे 5 साल के पहले के बच्चे हैं उनको तो मिलना ही मिलना है। सरकार तो बहुत सारे मुहिम चला रही है कुपोषित बच्चों के लिए, तो आप लोग तक नहीं कुछ मिलता है? हमको यहाँ कोई भी लाभ नहीं मिला, ना कुछ वो मिला, और आंगनबाड़ी केंद्र से जो कुछ पूछा भी जाता है तो वो बताती ही नहीं है, कुछ यहाँ आता ही नहीं है। उनको आना चाहिए, खोलना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र की साफ़ सफाई, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण का कार्य भी होता है, जो किशोरियाँ हैं उनके टीके लगते हैं, जो बच्चे हैं उनके टीके लगते हैं, तो जहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम होता है वो जगह बहुत साफ स्वच्छ और सुथरी होनी चाहिए, लेकिन हालात ये है कि देख लीजिए कि यहाँ तो पूरे गांव की जो गंदगी है वो आंगनबाड़ी केंद्र में डाली जा रही है, और वो इसलिए डाली जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र कभी खुलता नहीं है, तो जहाँ जो लोगों को जगह मिलती है वहाँ फेंक करके चले जाते हैं। ये दलित बस्ती है, यहाँ वैसे भी लोगों के पास में ज़मीनें नहीं है, ज़्यादातर लैंडलेस लोग हैं, तो उनके कचरा डालने की कहीं कोई जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, शौच के लिए जगह नहीं है, तो गांव के बाहर सभी आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं और यहाँ सब कुछ गंदगी करके चले जाते हैं। पूछते नहीं आप लोग की जो है इतना दिन कहाँ रहती, तो हफ्ते में 5 दिन 6 दिन खुलना होता है? कहते हैं तो बोलती हैं का जैसे दूल दरिया देते हैं, कह देते हैं कि हर महीने में आता है तो क्यों नहीं देते हो, कर अपने घर से दे दें जब नहीं आता है। हाँ, जब उनको नहीं मिल पाएगी व्यवस्था तो कुपोषित भी होंगी, लेकिन रजिस्टर में बना के भेज देते हैं कि सब फिट है। अब हम जहाँ बैठे हैं ये महतुरा का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी तरह से बछेई का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी तरह से पथरा का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी तरह से तेरा का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी तरह से नीवी का आंगनबाड़ी केंद्र है, इस तरह के मैं 50 आंगनबाड़ी केंद्र गिना सकता हूँ जिनकी हालात ऐसी ही है, वो आंगनबाड़ी केंद्र कभी खुलते नहीं हैं। और गांव में जिस तरह से यहाँ एक लकड़िया खेल होता है और जुआ, उसको छोटा जुआ कहते हैं, तो जो भी गांव के लोग हैं वो सब, चूँकि आंगनबाड़ी केंद्र सब गांव के किनारे हैं, खाली समय में लोग जाते हैं वहाँ, दिन भर ताश खेलते हैं, लकड़िया खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और वहाँ से जो है चले जाते हैं, तो वो आंगनबाड़ी केंद्र या तो जानवरों के बांधने के अड्डे बन गए हैं या जो जुआ खेलने वाले लोग हैं उनके अड्डे बन करके रह गए हैं। वो प्राइमरी विद्यालय पिछले साल तक चला, वो 2 साल से वो भी बंद पड़ा है, ये जब से बना तब से खुला ही नहीं। आंगनवाड़ी से कुछ नहीं मिलता, खुलता है कि नहीं महीने का? महीने
कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। खुलता है तो क्या करती क्या है? थोड़ी देर बच्चों को बैठाए रहती है, उसके बाद छोड़ देती हैं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों का, बच्चों का निर्माण होना चाहिए, वो निर्माण दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये बच्चों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और बच्चों के साथ का ये खिलवाड़ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।